क्यों नहीं लड़ेंगे? तुम्हारे बाप की दी हुई डेमोक्रेसी है क्या? हमारे बहन भाइयों ने कुर्बानी दी। क्योंकि कठुआ की, उन्नाव की और जो रीसेंट घटनाएं हुई उसके बाद बहुत स्ट्रांगली ये जरूरत महसूस हो रही थी आपस में एक्सचेंज की जो है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आशय था यहाँ पे जब बनाया गया तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं हमारे समाज के उनकी एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करना, उनके विकास की ज़रूरतों को ये कोशिशें की गई बाबा साहब अंबेडकर के लीडरशिप में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसमें। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है वो संविधान और वो एस्पिरेशंस जो है उसमें जो बिट्रेयल है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रीडम उसके बाद ही शुरू हो जाता है। हिंदू कोड बिल जो रखा गया महिलाओं को पूरा मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सारे हैं उसके ऊपर, जिस तरह का हमारी पार्लियामेंट का पूरा रुख देखने को मिला, बाबा साहब अंबेडकर खुद इस्तीफा देने को मजबूर हुए। तो हमें ये लगता है कि ये जो मुख्य धारा आज़ादी के बाद जो बनी है, जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे इस तरह की चीज़ें रही अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ इस देश के अंदर, वो जो मुख्य धारा बनी है वो इनके एक्सक्लूजन से बनी है। इस जनतंत्र ने, इस डेमोक्रेसी ने उनकी एस्पिरेशंस को कोई अभिव्यक्ति उस तरह से मुख्य धारा के नागरिक की तरह से दी नहीं है साथियों। और इसी वजह से अब जब थोड़ा सा एक्सपोजर मिला है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की उनके अंदर भी कैपेसिटी पैदा हुई है अपने प्रयासों से और दूसरे प्रयासों से, अब वो डिसेंट तो होगा। उस विकास के बारे में सवाल तो खड़े होंगे और वो डिसेंट का आप ये देखिए कि अभी जैसे बता रहे थे कि हम खाप पंचायतों के फतवे के खिलाफ लड़ते हैं, वहाँ पर ऑनर किलिंग जो होती है इज्जत के नाम पर चॉइस मैरिज को लेकर, उसमें क्या है? आपका जो स्टेट मशीनरी है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जो सोसाइटी की जो लीडरशिप है, कास्ट लीडरशिप जो है, वो चॉइस मैरिज को क्या कहती है कि नाक कटवाना, इज्जत हमारी मिट्टी में मिला दी वो जो है, वो तो वो कहते हैं और स्टेट मशीनरी उनके साथ लाई करती है पूरा। लेकिन हम जो विमेन मूवमेंट में काम करते हैं हम भली भांति जानते हैं कि चॉइस मैरिज जो है वो महिलाओं के लिए एक इक्वालिटी का रिश्ता, मतलब शादी के अंदर जो है उसके लिए और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए एक रास्ता खोलती है। हम ये नहीं कह रहे कि इंश्योर करती है, वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक रास्ता जरूर खोलती है। तो ये जो डिसेंट यहाँ पे पैदा हो रहा है कि हम तो बिल्कुल भाई चॉइस मैरिज के लिए तमाम तरह की चुनौतियाँ जो 30 मार्खा समझते हैं अपने आप को, उन सब के फतवे, उन सब की बायकॉट, उनका सबका हेट कैंपेन उसको बर्दाश्त करते हुए, लेकिन एक हमें पता है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी ने हमें जो एक राइट दिया है क्यों उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और उसको एक्सरसाइज करने के रास्ते में जो भी आएगा उससे टकराएंगे क्यों नहीं। और ये जो चीज़ है साथियों ये हर क्षेत्र में है, पॉलिटिकल, सोशल वैल्यूज के लेवल पे, कल्चरल लाइफ में, हर फील्ड में है ये चीज एग्जिस्ट कर रही है कि ये एक्सक्लूजन जो है उन तबकों का, उनकी एस्पिरेशंस का, उनकी डिग्निटी का, उनके लाड प्यार का, वो डिप्राइव्ड अपने परिवारों के अंदर भी लाड प्यार से वो जो तबके जो बने हैं। तो ये जो लोकतंत्र की मुख्य धारा जो बनी है एक तो उसको भी देखना पड़ेगा, और फिर जो 4 साल का पिछला जो अनुभव है उसमें तो हद ही हो रही है भाई। जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा जो मिला था अगर उसको भी प्रयोग कर रहे थे तो पिछले 4 साल में तो ये देखने को मिला कि उन तबकों से, डिप्राइव्ड सेक्शन से ले लेके, मतलब उन हकों को जो है उनको खोखला करके और जो ऑलरेडी हेजेमोनिक सेक्शंस जो हैं उनकी तरफ डालने की प्रक्रिया और स्टेट के द्वारा, और जब उसके ऊपर बोलते हैं तो बोलने के नाम पे कन्हैया जो है वो भाषण नहीं देगा, जगमती सांगवान विमेन यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगी जो जो मेरे फूफा मेरी बुआर की जमीन पे बनी हुई है, शबनम हाशमी जो है वो गुजरात में नहीं जाएगी, वो मतलब दूसरे जो लोग हैं तिस्ता शीतलवाड़ वो वहाँ पे केस नहीं लड़ेंगे। भाई क्यों नहीं लड़ेंगे? तुम्हारे बाप की दी हुई डेमोक्रेसी है क्या? हमारे बहन भाइयों ने कुर्बानी दी।
ज्यादा कीमत किसने अदा करी है इस डेमोक्रेसी की? हमारे बहन भाइयों ने करी है, और उसके ऊपर दावा जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। वो दावे को जो है उसको हमेशा मतलब सामने रख के फ्रंट लाइन से टकराएंगे, और जो भी उसके अंदर मतलब आएगा उसके साथ जो है वो टक्कर होगी, और देश के नागरिक टकरा रहे हैं, और ये डिप्राइव्ड सेक्शंस जो है साथियों वो टकरा रहे हैं। आप देखिए मतलब इवन द रिलीजियस फील्ड में जिनको हमारे सच्चा सौदा के गुरु राम रहीम, जिसको पूरा मंत्री जो है, चाहे वो कांग्रेस के थे चीफ मिनिस्टर, पूरा स्टेट जो है उनके घुटनों में मतलब लेटते थे, अभी ये जो सरकार आई इसमें तो पूरी कैबिनेट लेटती उसके घुटनों में जाके जो है। तो लेकिन दो लड़कियां मतलब पूरी जो है, जो दो लड़कियां जो अपनी डिग्निटी को समझती है, जो अपने दावे को समझती है, वो उन्होंने कितनी कीमत अदा करी, भाई मारा गया, उनको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहना पड़ा। लेकिन आज नतीजा क्या है कि तमाम मतलब इस सरकार की कोशिशों के बावजूद बचाने की क्या क्या घिनौनी कोशिशें नहीं की इस सरकार ने, लेकिन कहाँ पे है सच्चा सौदा का गुरु जो है, कहाँ पे है आसाराम बापू, उस परिवार ने कितनी मतलब तकलीफें उठाई हैं, वो लड़े हैं वहाँ पे, हम उनके साथ रहे हैं वहाँ पे, हमने देखा है उन चीज़ों को जो है। छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं स्कूलों के अंदर बकवास मारते फिरते हैं कि भी संस्कार शिक्षा ये वो सब, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है जहाँ पे पढ़ना चाहती हैं लड़कियाँ जो हैं, उन्होंने 8वीं 7वीं की लड़कियाँ 13-13 दिन भूख हड़ताल कर रही हैं कि टीचर चाहिए हमारे स्कूल के अंदर, जो अभी भी 2 स्कूलों के अंदर वो भूख हड़ताल जो है वो चल रही है वहाँ पे, छेड़छाड़ के खिलाफ मतलब खुद इनके अपने जो नेताओं के लाडले बेटे हरियाणा के अंदर, तो मतलब खुद बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा जो है सुभाष बराला का बेटा विकास बराला, रात को ये लोग जो हैं ऐश करने के लिए निकलते हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन जो लड़की जिसका पीछा किया उसने उसकी तरफ से क्या टक्कर नहीं देखी उसने, वो अपने घर बाद में गई है और रात को 1 बजे थाने में पहले गई है FIR लॉन्च करवाने के लिए, और उसके बाद जब इन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाद में नारे को एक्सटेंड किया था बेटी खिलाओ जो है, वो जो सारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले बेटा बचाते नजर आए वहाँ थाने के अंदर, हमने देखा इनका हालत जो है, कोर्ट के अंदर देखी इनकी हालत जो है। तो किसान लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, वो तबके जिनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन उसमें जो ज़रूरत आज के दिन जिस जहाँ पे हमारी मतलब हो सकता है, मैं मतलब थोड़ा गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे ये लगता है कि जो रेजिस्टेंस के जो मूवमेंट्स हैं, जो प्रतिरोध की जो का जो नेतृत्व है इस देश के अंदर जो है, उसके पास कोई ऐसी रणनीति कि जो ये पूरा अंदर छोटे छोटे स्तर पर जो अपसर्ज जो जो डिसेंट जो असर्शन जो रेजिस्टेंस चलती है उस सारी एक ताकत को जो है एक दिशा दे, जो वो जो रणनीति जो है जो 1000 साल से 2000 साल से तमाम संसाधनों का दोहन करते आए हैं और प्रिविलेज्ड हैं हर तरह से जो है, वो उनकी तरफ से जो डिप्राइव्ड सेक्शन है जो डिप्राइव किए गए 1000-2000 सालों से, उनके पाले में खड़े होके एक रणनीति बनानी पड़ेगी हमें असल में जो है, और उसकी ज़रूरत है। और वो जो रणनीति है वो केवल पॉलिटिकल फील्ड तक नहीं हो सकती साथियों, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उसका विकल्प नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। देखिए उसके अंदर बहुत झांसे हैं, मतलब हम जब खा पंचायतों के खिलाफ कांग्रेस के राज में लड़ते थे तो कांग्रेस किस तरह से डिफेंड करती थी खा पंचायतों को, ओ दे आर लाइक NGOs, दे आर डूइंग गुड वर्क, वी मस्ट अप्रिशिएट इट, एंड व्हाट अबाउट दिस रेजिम, इसमें मोदी जी पहली अपनी इलेक्शन की रैली जो है वहाँ पे जब जींद के अंदर उसको संबोधित करने आए, उसका ओपनिंग सेंटेंस क्या था, मैं खापों की भूमि हरियाणा को नमन करता हूँ, मतलब उसको किसानों की भूमि नज़र नहीं आती, मजदूरों की भूमि नज़र नहीं आती, महिलाओं की भूमि नज़र नहीं आती जो दिन रात उसको खून पसीने से सींचते हैं, किसकी भूमि नज़र आती है, खापों की उसको नज़र आती है वो। तो ये जो केवल पॉलिटिकल उस तक फील्ड तक मतलब इस अल्टरनेटिव को डिलिमिट करके नहीं देख सकते,
सोशल लेवल पे एक हेजेमोनी उस तरह की स्थापित करनी पड़ेगी जिसके अंदर जो है ज्योतिबा फुले, उन्होंने जो जिस तरह से काम किया समाज के अंदर, क्योंकि साथियों मास जब तक हमारे साथ नहीं है हम कितनी बहुत सुंदर बातें कहें कुछ भी करें, मास जब तक साथ नहीं है तब तक बात बन नहीं रही है हमारी जो है, तो उसको साथ लेने के लिए बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक जो जीवन जो है वहाँ पे एक सिविल सोसाइटी बनाने की चुनौती हमारे सामने है। और वो सिविल सोसाइटी जैसे ज्योतिबा फुले उस समय पे बनाया कि विधवाओं के सिर मुंडे जाते थे तो उन्होंने नाई जो थे वहाँ पे नाइयों को कॉल दी थी कि किसी भी विधवा के बाल नहीं काटेंगे वो जो है, और वहाँ पे जाके जो ताकतें विधवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेट करती थी उनके ऊपर अंकुश लगा। अब जो हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि जब वहाँ पे जो मतलब ऑनर किलिंग के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम तरह से हमारे सामने जो ताकतें हैं वो कहती है कि बहिष्कार करो जिनके लड़के लड़की ने ये शादी करी है, और हम ये कहते हैं कि भाई किसानों भाई कर्मचारियों भाई छात्रों जो मतलब प्रोग्रेसिव होने का दावा करते हो इस बहिष्कार को तोड़ना तुम्हारी परीक्षा है, तोड़ो इसको बहिष्कार को जो है, और वहाँ से वो तोड़ा जाता है साथियों, उनको मतलब उनकी मांद में जाके मतलब चुनौती दी जाती है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये जो सोशल लेवल पे सामाजिक सत्ता जिसमें आरएसएस ने लगातार पिछले दिनों जो काम करके एक कल्चरल नेशनलिज्म राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मतलब वो नारा देके जिस तरह से जो डिप्राइव्ड सेक्शंस की भी हमारी ताकतों को भी जो उन्होंने उस नाम पे अपने साथ जो जोड़ा है वहाँ ले जाकर, तो हमें जो है पूरा इस लाइफ के अंदर एक सिविल सोसाइटी जिसके अंदर एक निखरी हुई नज़र हो किसी भी इंसान को किसी भी महिला को किसी भी दलित को जो है वो एक सिटीजन है इस इंडिया का, और किसी भी मतलब 30 मार्का का जितना हक है इसके संसाधनों के ऊपर वो ही एक दलित की बेटी का और सबसे गरीब की बेटी का बेटे का उनका भी है। ऐसी सिविल सोसाइटी जिसके पास ये निखरी हुई नज़र हो वो बनाना उसके लिए बहुत बीज है, बहुत आंदोलन है, बहुत सारी पहले हैं, बहुत कीमत अदा कर रहे हैं लोग जो है, बस उसको एक रणनीतिक मतलब रेजिस्टेंस की ताकतों की तरफ से एक ऐसी रणनीति दी जाए जो उसके सामने स्पष्ट हो रास्ता कि इस तरफ बढ़ना है, और वो सिविल सोसाइटी बनाने का जो एम लक्ष्य लेके हम चलेंगे तो इंक्लूसिव इंडिया इंक्लूडिव इंडिया में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि राजनीति आप कर रहे हैं और महिलाएं और दलितों के हिस्से प्रोग्रेसिव राजनीति में भी अगर मार्जिन पे ही रहें, अगर वो लीडरशिप में मार्जिन पे रहें, अगर उनके इश्यूज मार्जिन पे रहें तो इंक्लूसिव नहीं है वो चीज़, वो इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा उस चीज़। धन्यवाद।